नमस्कार। आज के इस 5 मिनट वीडियो में हम कमोडिटी रेशियो के ऊपर देखेंगे, जिसमें आज हम ले रहे हैं कॉपर एल्यूमिनियम रेशियो। कॉपर एल्यूमिनियम रेशियो कोई नई रेशियो नहीं है। अब हम देख रहे हैं स्लोली एंड स्टडीली कॉपर और एल्यूमिनियम का सब्स्टिट्यूशन रेट है, स्लो है बट कंटिन्यू चल रहा है। इसका क्या मतलब है? आज आप आपके घरों में एसी देखेंगे तो पहले हम कॉपर के कॉइल्स देखते थे, अब धीरे धीरे एसीओ में एल्यूमिनियम के कॉइल्स आने लग गए हैं। तो वो बिकॉज ऑफ प्राइसिंग, और आप देख सकते हैं पिछले 20 सालों के अंदर ये रेशियो 1:1 हुआ करता था, और अब ये बढ़कर काफी सिमेंटली बढ़ रहा है। तो जैसे से ये तेजी बढ़ रही है कॉपर के साथ साथ एल्यूमिनियम भी, लॉन्ग टर्म का ये मैं बेफिक बता रहा हूँ कि क्यों हमें ये रेशियो देखना चाहिए। तो सब्स्टिट्यूशन जो है कॉपर और एल्यूमिनियम के अंदर वो कहीं ना कहीं इम्प्रूव होते जा रहा है, जिसके चलते कॉपर के साथ साथ एल्यूमिनियम में भी जब पाएगा। और रिसेंटली हमने देखा कॉपर में काफी बड़ी फॉल आई थी, तो एल्यूमिनियम में भी फॉल आना था बट वो आया नहीं है। तो ज्यादा करके हम देखते हैं कि कॉपर हम टेलीकॉम वायरिंग्स के अंदर, मोटर्स के अंदर, हैवी व्हीकल, इलेक्ट्रिक हैवी व्हीकल, बिल्डिंग वायर, ट्रांसफॉर्म में यूज होते हैं। वहीं अगर एल्यूमिनियम की अगर बात करें तो ऑल हाई एंड मीडियम वोल्टेज ओवरहेड वायरिंग होती है उसमें यूज होता है, 3 फेज इंडक्शन मोटर्स के अंदर, लो एंड मीडियम वोल्टेज अंडरग्राउंड केबल के अंदर एल्यूमिनियम। बट अब हो क्या रहा है कि इन दोनों को कोशिश किया जा रहा है एक दूसरों को मैच करने की। तो कुछ जगह ट्रांसफॉर्म के अंदर भी हम लोग इसको यूज करते हुए देख पा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं एल्यूमिनियम का यूसेज भी काफी अच्छे से बढ़ते जा रहा है, जिसके चलते हमने पिछले दिनों में काफी ज्यादा वॉलिटिटी मार्केट में बनती हुई देखी है। तो सबसे पहले आपको समझना है कि कॉपर एल्यूमिनियम रेशियो की जो फाइनेंशियल मैट्रिक है ये काफी इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कॉपर की प्राइस अगर हम $4,000 के आसपास देख रहे हैं तो एल्यूमिनियम करीबन $2,000, तो रेशियो जनरली 2:1 का रहता है। काफी इंडिकेटर्स है जो कॉमन इन नेचर है, जैसे अगर हम बात करें इकोनॉमिकल इंडिकेटर, तो इकोनॉमी में कोई भी हलचल होगी वो कॉपर और एल्यूमिनियम दोनों को इम्पैक्ट करते हुए दिखाई देगी। कॉपर वाइडली जो यूज होता है वो इलेक्ट्रिक वायरिंग के अंदर, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के अंदर यूज होता है। वहीं एल्यूमिनियम में भी अगर हम देखें तो हैवी इलेक्ट्रिकल्स के अंदर एल्यूमिनियम ज्यादा करके यूज होता है। डिमांड सप्लाई में कॉपर और एल्यूमिनियम बहुत सारे इंडस्ट्रियल मेटल, और जहाँ पे हम देखते हैं कि लगभग सेम तरीके, बट हाँ एल्यूमिनियम पैकेजिंग इंडस्ट्री में भी यूज होता है, फ्लाइट्स की, कार की बॉडी, इन सब में भी यूज होता है। तो आपको व्हीकल सेल्स या फिर व्हीकल से रिलेटेड कुछ अपडेट्स है उसके ऊपर भी नजर रखना चाहिए। इन्फ्लेशन एंड करेंसी ट्रेंड तो डेफिनेटली इम्पैक्ट करता है। ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी इस ढंग से बनाई जाती है, जो नॉर्मल चार्ट हम देखते हैं वैसे ही हम चार्ट कॉपर और एल्यूमिनियम के रेशियोज का बना सकते हैं। जहाँ पे भी डाइवर्जेंस दिखते हैं वहां पे हम कॉपर को लेके एल्यूमिनियम बेच सकते हैं, या एल्यूमिनियम को लेकर कॉपर को बेच के चल सकते हैं। इंडस्ट्रियल का सेक्टर परफॉर्मेंस काफी इंपॉर्टेंट होता है, बिकॉज कोई भी इंडस्ट्री, चाहे वो कंस्ट्रक्शन है, ऑटोमोबाइल है, इलेक्ट्रॉनिक है, एनर्जी है, इन सब का ओवरव्यू क्या है जो इस मार्केट को इम्पैक्ट करता है। कोरिलेशन ऑलरेडी हमने देखा है कि 2:1 का जो रेशियो रहता है इसी को हम मीन रिविजन के तौर पे एक ट्रेड अपॉर्चुनिटी देखते हुए लेते हैं। चार्टिकली आप देखेंगे तो आप देख सकते हैं कि 2023 स्टार्ट होने पे ये रेशियो करीबन 32.5 के आसपास था, जहां से हमने ये रेशियो में बड़ा जंप आते हुए देखा जो 38 तक चले गया था। अब सिंस देन मार्केट में काफी बड़ी गिरावट आई, क्योंकि आप जानते हैं कि कॉपर 798 से गिरकर करीबन 700 के आसपास चले गया था, और अब कहीं ना कहीं ये हार्मोनिक पैटर्न बना है, और जिसका मतलब है यहां से ये रेशियो में तेजी आएगी। अगर रेशियो में तेजी आती है इसका मतलब है कॉपर एल्यूमिनियम के मुकाबले ज्यादा तेज होता हुआ दिखाई देगा। तो करंटली हमारा मानना है कि टेक्निकल चार्ट और फंडामेंटल्स को देखते हुए कॉपर एल्यूमिनियम रेशियो करंटली 34.35 के करीब ट्रेड कर रहा है। प्राइजेस जब तक 34.70 का लेवल ब्रिज नहीं करता है, थोड़ा कंसर्न जरूर है वापस नीचे आने का, लेकिन एक बार 34.70 के ऊपर निकल जाता है तो हम 35.50 से लेकर 36.20 तक के भी लेवल हम आने वाले सेशंस में देख पाएंगे। तो ओवरऑल जो लो मारा है वो 33.50 का मारा है या 33.20 का मारा है, तो अनलेस अंटिल 33 के नीचे रेशियो नहीं जाता है, हाई पॉसिबिलिटी के कॉपर एल्यूमिनियम से ज्यादा आउट परफॉर्म करता हुआ दिखाई दे सकता है। तो इस रेशियो पे आपको नजर रखना है, अपॉर्चुनिटी काफी अच्छी है। अब ट्रेड कैसे लेना है, तो कॉपर का भाव हम मान के चलते 714 के करीब है, जबकि एल्यूमिनियम का 208 के करीब है। हमको वैल्यू न्यूट्रल पोजीशन बना के ट्रेड करना पड़ता है। तो हमें एक लॉट कॉपर का लगेगा जो लगभग 17,85,000 के आसपास का रहेगा। एल्यूमिनियम भाव में अगर हम देखें तो काफी कम है, जिसके चलते हमें ये रेशियो मेंटेन करने के लिए दो लॉट
एल्यूमिनियम का लेना पड़ेगा जो 20 लाख का कॉन्ट्रैक्ट साइज हो जाता है, तो ओवरऑल मार्जिन रिक्वायरमेंट 4 साढ़े 4 लाख के आसपास का बन जाता है। और डेली चार्ट पे अगर हम देखें तो RSI इस वक्त 39 के करीब है, जो बताता है कि 30 के नीचे जाने के बाद मार्केट अब रिकवर कर रहा है। फिशर भी -1.6 से रिकवर करने की पूरी पूरी कोशिश कर रहा है। चौपी इंडिकेटर बता रहा है मार्केट में आगे जाके वोलेटिलिटी बढ़ते हुए दिखाई देगी, जबकि मूविंग एवरेज की अगर हम बात करें तो प्राइजेस करंटली 50 मूविंग एवरेज और 200 मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा है। उम्मीद है कि ये मूविंग एवरेज तक रिटेस्ट करता हुआ दिखाई देगा, जिसके चलते प्राइजेस में एक गेन मिल सकता है। मैकडी की अगर बात करें तो अब बेरिश ट्रेंड कंटिन्यू है, बट कहीं ना कहीं एक बेस बनाकर रिकवर करने की कोशिश मैकडी करता हुआ दिखाई देगा। इन सबको देखते हुए हमें लगता है कि कॉपर एल्यूमिनियम रेशियो में जो हार्मोनिक पैटर्न बना है वो सक्सेसफुल रहेगा, और हमें यहाँ पे कॉपर बाय करके एल्यूमिनियम को बेच के चलना चाहिए। एल्यूमिनियम स्टेबल रहेगा एज ऑफ नाउ, 210-212 के ऊपर जाता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है, बट कॉपर में जो बड़ी गिरावट आई उसके बाद कॉपर एक रिकवरी दिखा सकता है, तो जिसके चलते ये रेशियो में बाउंस मेंटेन हो सकता है। तो बिल्कुल कॉपर को लेके चलिए, एल्यूमिनियम के मुकाबले आपको आउट परफॉर्म करता हुआ दिखाई देगा। अधिक जानकारी के लिए आप हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए। इस चैनल में हम आप तक इक्विटी कमोडिटी करेंसी की अपडेट लाते रहेंगे। वीडियो पसंद आने पर इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए।